बड़ी खबर से करते शुरुआत। दरअसल पश्चिम अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों का मामला है। झारखंड श्रम विभाग इस मामले को लेकर गंभीर है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उनके वतन वापसी को लेकर सीएम और विभागीय सचिव से बातचीत की है। मजदूरों की वतन वापसी को लेकर अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। गिरिडीह और हजारीबाग के ये मजदूर हैं जो कि माली में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई थी। एक वीडियो भेजा था और उसमें गुहार लगाई थी कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो फंसे हुए, उनके 3 महीने का वेतन उन्हें नहीं दिया गया है। और वैसे वो लोग कुल 33 मजदूर हैं जो कि करीब करीब 6 महीना पहले वहां गए थे। शुरुआत में 2 महीने तक पैसे मिले, उसके बाद से अब कंपनी की ओर से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और अब इस मामले को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की इस मामले को लेकर और साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों से, सचिव से भी, और कहा कि जल्द से जल्द इनके वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, वैसे में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला लगता है। क्योंकि आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि जब सपने दिखाकर, लालच देकर, सब्ज बाग दिखाकर, पैसे कमाने का सपना दिखाकर मजदूरों को ले तो जाया जाता है, लेकिन जब वहां जाते हैं मजदूर तो फिर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ऐसे देखे हुआ दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश में माली में। और राकेश, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। राकेश, क्या है पूरा मामला, जिस तरीके से मजदूरों ने गुहार लगाई, अब आगे कार्रवाई क्या हो रही है? 33 मजदूर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो मजदूर हैं ये झारखंड के हैं, गिरिडीह हजारीबाग जिले से ये ताल्लुक रखते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई है अपने वतन वापसी को लेकर। हालांकि विभागीय मंत्री जो हैं, जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वो गंभीर हैं और लगातार अपने विभाग के सचिव हों या फिर राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनसे मजदूरों की वतन वापसी को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि कोई सरकारी आदेश नहीं आया है वहां से इनकी वापसी को लेकर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही इन लोगों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है और उसके बाद श्रम विभाग जो है वो हरकत में आया है। इनके वतन वापसी को लेकर तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि झारखंड के बाहर कई मजदूर लॉकडाउन में फंसे थे, उनकी वतन वापसी को लेकर, उनके राज्य वापसी को लेकर राज्य सरकार ने कई पहल की और उनको वापस बुलाया गया। तो अब एक बार फिर इन मजदूरों की उम्मीदें जगी है राज्य सरकार से। इनको लगता है कि राज्य सरकार जो है इनके बारे में भी संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और इनके वापसी को लेकर रास्ता बनाया जाएगा। पंकज, तो राकेश, जो वहां का दूतावास होगा माली में, भारत का दूतावास या फिर भारत के उच्चायोग जो भी होंगे, वहां संपर्क कर लिया गया क्या झारखंड सरकार की ओर से? नहीं, देखिए अभी सरकारी तौर पर कागज में कोई सूचना नहीं है विभाग के पास, नहीं सरकार के पास है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही विभाग को ये जानकारी मिली है कि झारखंड के 33 जो मजदूर हैं वो विदेश में फंसे हुए हैं, और ये सूचना के बाद से ही सरकार अपने स्तर से चीजों को देख रही है। जो श्रम विभाग है वो चीजों को देख रहा है और इस मसले पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई है, जो विभागीय सचिव है उनसे भी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन वहां की सरकार से कोई आदेश ये तरीके का कागज में नहीं आया है। इंतजार किया जा रहा है, श्रम विभाग इंतजार कर रहा है कि अगर इस तरह का कोई जानकारी मिलती है सरकार को। मिलाकर मामले को संज्ञान में लेकिन ले लिया गया है। जी बिल्कुल, मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और वापसी को लेकर कोशिश शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आप लेते। तो निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई कुछ ये होगी कि वहां में जो उच्चायोग होगा या फिर दूतावास जो भी होगा भारत का, वहां के अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा और कहा जाएगा उन्हें कि आप उस कंपनी में जाइए और जो 33 मजदूर हैं उनको वहां से मुक्त कराइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।